हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड के जरिए। तो पहले इसके प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए फैक्टर हम लोग फैक्टर फाइंड करते हैं कि कितने फैक्टर हैं और उसके कितने स्क्वायर बन रहे हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए पहले इसे सोल्व करते हैं। ये देखें, यहाँ पे है 4225, फाइव है यहाँ पे। जब यहाँ पे फाइव होता है तो वो फाइव के टेबल पे ही जाता है, टू थ्री या फोर के टेबल पे तो नहीं जा सकता। तो फाइव के टेबल पे फाइव इन दो डिजिट को देखेंगे, क्योंकि फोर फाइव से छोटा है तो दो डिजिट को ही देखना पड़ेगा। फाइव एट दा 40, यहाँ से टू बचेगा और ये 2:2 के साथ, फाइव फोर दा 20, फिर टू फाइव के साथ आ जाएगा, फाइव फाइव दा 25। अब ये देखें, यहाँ पे फिर फाइव आ गया है तो फाइव के टेबल पे ही जाएगा। फिर भी ये एट है, इस एट को अकेले देखना पड़ेगा क्योंकि ये एट बड़ा है, फाइव छोटा है। फाइव वन दा 5, यहाँ से 3 बचेगा तो 5 6 दा 30, 5 9 दा 45। अब 13 13 के साथ, 13 1 दा 13 और 13 3 दा, यहाँ से कितने बचेंगे, 3, 13 3 दा 39। अब ये हो गया 13 13 के साथ। अब 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 13 मल्टीप्लाई बाय 13, ये हो गया। इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, मतलब स्क्वायर रूट का मतलब होता है स्क्वायर रूट का मतलब होता है कि हमने इसका अंडर रूट फाइंड करना है। तो इस तरह हम कर सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 5, जब 5 का अगर स्क्वायर हो, 5 का स्क्वायर हो और अंडर रूट हो, तो उसके साथ स्क्वायर के साथ अंडर रूट कैंसिल, और 13 का भी इसी तरह स्क्वायर के साथ अंडर रूट कैंसिल, मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय 13, तो 13 5 दा 65। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। थैंक यू।